Being a Punjabi, I knew it would be difficult to find this dish in homes. ये आज पंजाब के पॉपुलर फूड कल्चर्स का हिस्सा नहीं है, पर ये भी मालूम था कि there has to be some determined Punjabi who would have not let go of this unique flavor. And sure enough, मेरी खोज मुझे ले आई कोलकाता में शेरी मल्होत्रा के घर पर. बचपन में मुझे बताया गया था कि जो कुन्नी है उसमें खाना बनाया जाता है. कुन्नी मतलब? कुन्नी मतलब मटका. मटकी. मटकी, मटका. इनफैक्ट सरप्राइजिंगली हमारी पंजाबी कम्युनिटी में भी लोगों को इस बारे में नहीं पता. तो अगर जिक्र करेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे. बटर चिकन खाने से फुर्सत नहीं लेते हो ना? और जबकि बटर चिकन पंजाब से है भी नहीं. लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि वो एक पंजाबी क्यूजीन का पार्ट है. तो उनको लगता है दाल मखनी और बटर चिकन के अलावा और कुछ है नहीं. जबकि 100 से ज्यादा रेसिपीज ऐसी हैं जो कि दूसरे पंजाब में हैं, जो कि यहाँ नहीं लाई गई. I love meat. और इसको ऐसे ही खाया जाता था. जैसे कि हमने तो प्रेशर कुकर भी देखा है कि संडे के संडे पापा मीट जो मटन करी है वो बना के प्रेशर कुकर डाइनिंग टेबल पे रख देते थे. तो ये भी ऐसे ही बनाया जाता था. मेरे को लगता है कि वो कुन्नी की वजह से हुआ, क्योंकि शायद मेरे पापा ने मेरी दादी को देखा होगा ऐसा करते हुए कि वो कुन्नी रख रही है और एक तरफ तंदूर है, वहां से तंदूरी रोटी गरम गरम आ रही है और कुन्नी रखी हुई है मटन. जब हम भी छोटे होते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो जब भी मीट बनता था वो हमेशा कुकर समेत या पतीले समेत टेबल पे आता था. आई थिंक दैट हैज अ कनेक्ट विद द यूटेंसिल. शायद पहले एक जमाना था जब सारा करी इसमें ही बनती थी और यही की यही सीधी सर्व होती थी, सब एक साथ खाते थे फैमिली स्टाइल. और तंदूर के, तंदूर भी ऐसा था कि सब लोग उसी टाइम गरम गरम तंदूरी रोटी उतार रही है दादी या मम्मी. और प्याज भी ऐसे नहीं कटते थे तब, तब तो सिर्फ मुक्की मार के प्याज दिया जाता था. मेरे घर में तंदूर था. मेरे भी घर में तंदूर था. संडे के संडे जलता था सिर्फ. हाँ. और पूरा मोहल्ला आ जाता था, पूरा मोहल्ला अपने आटा लेकर पेड़े बना के कि आपने तंदूर जलाया, हम भी रोटी लगा ले. तो सबकी रोटी बनती थी संडे को. और वहाँ पे सबसे ज्यादा चुगली भी होती थी क्योंकि पूरे मोहल्ले के लेडीज एक साथ. और जो तंदूर फिर वो रह जाता था ठंडौने, उसमें दाल पकनी शुरू हो जाती थी शाम के लिए, रात के लिए कुछ भी रख देते थे. और कुछ नहीं रखोगे तो बच्चे न्यूज़पेपर डालते थे, पटाखे पटाखे फोड़ते थे. तो बड़े पंजाबी हो बिल्कुल एकदम. सो इसके अंदर आपने ऐसे क्या चेंजेस किए हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाले? चेंजेस तो फिलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं किए. मेरी दादी फिलहाल ये करती थी कि हमाम दस्ता होता था उस जमाने में, तो वो उसी टाइम वो मसाले पीसती थी. मैंने प्याजों को बस भुना है, वो नहीं करती थी. वो सब एक साथ मिक्स करके और वो रख देती थी मटके में बनने के लिए. वो कुछ करने की लोड़ नहीं है. हाँ. सब कुछ पा दो, हौले हौले पकदा रहेगा, पकदा रहेगा. और मम्मिया वेजिटेरियन बनाती थी, रोटी और सैलेड और रायता बिल्कुल, या मीठा. और जितने मैन ऑफ द हाउस थे वो सब मीठी बनाते, वो सब मीठी बनाते थे. और बनता भी उन्हीं के हाथ से अच्छा. हाँ. था भी ये पक्का पंजाबी डिश है. बिल्कुल. कैसा लगा आपको? ब्रिलियंट. तो ये भी आपने कच्चा प्याज अदरक लहसुन सब डाल के एक साथ ही पकने छोड़ दिया? जो पंजाब है ऑब्वियसली दैट साइड ऑफ पंजाब जो पाकिस्तान की तरफ है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि वहां पर जब कुना गोश्त बनता है तो उसको गाढ़ा करने के लिए दूध में थोड़ा सा आटा भून के पहले दूध उसमें डालकर फिर उसको मटन में डालते थे उसको गाढ़ा करने के लिए. क्या आप कुछ ऐसा स्टेप करते हैं? मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च और पढ़ाई की. तो जब मुझे मैंने देखा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पंजाबी मुस्लिम कम्युनिटी है. तो उनकी निहारी बनाने की और कुन्ना गोश्त बनाने की काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि निहारी में भी ये प्रोसीजर है. जबकि मेरी दादी का ये मानना था कि क्योंकि पंजाबियों में कुछ अपने हर चीज़ के एक वहम वर्ड होता है, वो होता है. तो मुझे बोलती थी कि नहीं, आटा तो मैं भुन के पाऊंगी, मैं कच्चा नहीं पाना. हाँ. तो मैंने उनसे वो बात सीखी है कि जब तरी को गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा भून के आटा. एब्सोल्युटली. दिस हैज बीन सच अ स्प्लेंडेड मील. आई विश आई कुड फिनिश द एंटायर कुनी, बट आई हैव अ स्मॉल कुनी हियर. थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू. थैंक यू. आज की तारीख में घरों में कुना गोश्त मिलना मुश्किल है. Yet I got to know of Chef Shalene from DoubleTree by Hilton Gurgaon who had the courage to put kuna gosht on his menu. मैं शालीन से मिलकर ये समझना चाहता था what drew him towards this curry. ये आपने अपने family members से वो recipe दी थी.
Right. I checked with one of my very senior chefs who has traveled to Afghanistan and Pakistan just in the research of new recipes and authentic recipes of old Punjab from him and also from family, because my family belongs to Undivided India, which is from Gujranwala. Okay. So we were like primary meat eaters. So ye jo hai, ye ek mere samne kuna gosht hai. It's a modern interpretation or a modern version of what a kuna gosht would be. कितना फर्क है इसके अंदर? आज के समय में वी आर मोर लाइक अ ग्रेवी ईटर्स, तो इसके अंदर टोमेटोस ऐड हो गए हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसेस हो गई हैं, गरम मसाले में काफी चीजें हो गई हैं. जो ऑथेंटिक बनता था दैट यूज्ड टू हैव प्राइमरी फ्लेवर्स ऑफ काली इलायची, व्हिच इज अ बिगर इलायची, अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन एंड लॉट्स ऑफ शाही जीरा. Okay. इसका जो प्राइमरी डोमिनेंट टेस्ट है वो शाही जीरे का आना चाहिए. So what we have created is thoda sa gravy version, but it is more towards the traditional side with the spices. I have not used tomatoes, but it is cooked in its own juices. But a little bit of stock has been made separately to give it the body which it needs to have. Thodi haldi hai, thoda javitri hai, thoda nutmeg hai. So all those things are flavors are there in that. And the cut is very neat. बहुत नीली कट, स्मॉलर पीसेस. इनिशियली जो ये कट है इससे करीब दुगना साइज हुआ करता था, करीब 200 ग्राम का एक कट होता था, क्योंकि वो लेग से लिया जाता था, शोल्डर से लिया जाता था फ्रॉम द एनिमल, सो वो काफी हैवी होते थे, इसलिए 4 से 6 घंटे लगते थे उसको पकने में, वो भी स्लो हीट पे, विच इज नाउ स्लो कुकिंग मेथड. सो इट्स स्लो कुकिंग बट इट वॉज इन्वेंटेड लॉन्ग बैक. तो शेफ, आई मस्ट से दिस इज यम्मी. थैंक यू. चिन्यात से पेशावर, जहां धनिया और जीरे का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, वहीं अनडिवाइडेड पंजाब के घरों में पहुंचते पहुंचते इसमें शाही जीरा और दालचीनी ऐड हो गई. आज इन इट्स करेंट अवतार एट शेफ शालीन्स होटल, लाइक मोस्ट करीज, टोमेटोज प्ले अ प्रेडोमिनेंट रोल, बट द आइडिया ऑफ स्लो कुकिंग रिमेन्स द सेम. आफ्टर दिस जर्नी आई फील दैट दिस डिश कुड बी द परफेक्ट आंसर टू ऑल आवर वोज, अ वन पॉट मील आफ्टर अ टायर्ड डे एट वर्क. व्हाट्स इट?